द्वापर युग में वसु नामक एक राजा हुआ करते थे। वसु अत्यंत ही धर्मपरायण राजा थे, परंतु उनको शिकार खेलने की लत थी। राजा देवराज इंद्र के भक्त थे और उनके निर्देश पर उन्होंने चेदी राज्य की स्थापना की। कुछ समय बाद राजा ने राजसी वैभव का तिरस्कार कर दिया और एकांत में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। राजा को तपस्या से विमुख करने के लिए इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर उनसे कहा, ओ नरश्रेष्ठ, जिस प्रकार देवताओं में मैं इंद्र हूँ, उसी प्रकार आप मानवों में इंद्र हो। आप इस प्रकार तप को त्याग कर अपनी प्रजा का पोषण करें। ओ राजर्षि, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये दैवी रथ और माला भेंट करता हूँ। ये दिव्य रथ वायु मार्ग में द्रुत गति से चलकर आपको कहीं भी ले जाने में सक्षम है और इस इंद्रमाला के कमल कभी नहीं मुरझाते। राजा को इंद्रजड़ित दैवी रथ और माला देते हुए इंद्र ने आगे कहा। इसके साथ ही देवराज इंद्र ने राजा वसु को एक बांस की छड़ी भी दी और कहा, ये मेरा स्वरूप सभी संकटों से तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा। इस प्रकार देवराज से वरदान पाकर राजा वसु अपने राज्य वापस आ गए और नए वर्ष के प्रारंभ में समारोह पूर्वक इंद्र की दी हुई छड़ी को जमीन में गाड़ कर स्वर्ण वस्त्र, पुष्पमाला और आभूषणों से सुसज्जित कर पूजन किया। इंद्रदेव ने स्वयं एक हंस के रूप में प्रकट होकर पूजा का समर्पण ग्रहण किया और कहा, जो भी इस प्रकार मेरा पूजन करेगा, उसे सदा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। कुछ वर्षों बाद राजा को 5 पुत्र हुए। बृहद्रथ, जिन्होंने आगे चलकर मगध राज्य की स्थापना की और जरासंध के पिता थे। प्रत्याग्रह, जो आगे चलकर चेदी नरेश हुए और जिनके वंश में शिशुपाल ने जन्म लिया। कुसंव, जो कि मणिवाहन नाम से प्रसिद्ध हुए, और मवेल और यदु। राजा ने इन 5 पुत्रों को अलग अलग प्रांतों का उत्तराधिकारी बनाया। जब राजा इंद्र के दिए हुए दैवी रथ में भ्रमण करते तो हवा में उड़ते हुए उनके रथ के कारण उनका नाम उपरीचर यानी ऊपर चलने वाला पड़ गया। एक बार उपरीचर अपने रथ में ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे कि उनको शुक्तिमती नदी के क्रंदन की आवाज सुनाई दी। राजा ने देखा कि कोलाहल नामक पर्वत शुक्तिमती नदी को बलपूर्वक अपने आलिंगन में भर रहा था। ऐसा देखकर वसु ने कोलाहल को एक लात मार दी, जिससे पर्वत के 2 भाग हो गए और नदी उसके बीच से बहने लगी। कोलाहल के शुक्तिमती के आलिंगन से एक युवक और युवती की उत्पत्ति हुई। राजा ने युवक को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया और उस सुंदरी युवती गिरिका से विवाह कर लिया। एक दिन गिरिका साज श्रृंगार कर राजा के पास आई, परंतु उसी समय राजा के पितरों ने प्रकट होकर उनसे एक हरण का शिकार करने को कहा। पितरों की आज्ञा मानकर राजा गिरिका के बारे में सोचते हुए वन में शिकार के लिए निकल गए। रास्ते में अपनी सुंदर पत्नी के बारे में सोचते हुए उनका बीज निकल गया, जिसे उन्होंने एक पत्ते पे रखकर एक बांस के द्वारा अपनी पत्नी के पास भेज दिया। रास्ते में एक और बाज ने जब इस बाज को पत्ता लेकर उड़ते हुए देखा तो उसे मांस समझकर उस पर हमला कर दिया। इस झगड़े में वो पत्ता नीचे बह रही यमुना नदी में गिर गया। उसी समय यमुना नदी में अक्रीडा नामक एक अप्सरा ब्रह्मदेव के श्राप के कारण मछली के रूप में निवास कर रही थी। उस मत्स्य रूपी अप्सरा ने वसु के बीज को ग्रहण कर लिया। कुछ समय बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। मछली एक पुत्र और पुत्री को जन्म देकर ब्रह्मदेव के श्राप से मुक्त होकर उन्हें स्वर्गलोक चली गई। मछुआरा दोनों बच्चों को लेकर चेदी नरेश उपरीचर के पास गया।
राजा ने पुत्र को गोद ले लिया और मछली के गर्भ से जन्म लेने के कारण उसका नाम मत्स्य रखा। आगे चलकर मत्स्य ने ही मत्स्य राज्य की स्थापना की, जहां पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया। राजा ने अनेक उपहारों के साथ मछली के गर्भ से जन्मी कन्या का नाम सत्यवती रखा और मछुआरे को उसके पिता की जिम्मेदारी दे दी। मछली जैसी गंध आने के कारण उस कन्या का नाम मत्स्यगंधा पड़ा। सत्यवती अपनी माँ के समान ही अत्यंत रूपवती थी। वो यमुना नदी में नाव चलाकर अपने पिता की मदद करने लगी। एक दिन वशिष्ठ मुनि के पौत्र और शक्ति महर्षि के पुत्र पाराशर ऋषि की भेंट सत्यवती से हुई। ऋषि सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए और बोले, ओ रूपवती, मेरा आलिंगन स्वीकार करो। सत्यवती ने नदी के किनारे खड़े ऋषियों की ओर इशारा करते हुए कहा, ऋषिवर, मैं इन ऋषियों के समक्ष आपका आलिंगन कैसे स्वीकार करूं? सत्यवती के ऐसा कहने पर पाराशर ऋषि ने अपने तपोबल से यमुना के बीच में एक द्वीप बनाकर उसके चारों ओर कोहरा उत्पन्न कर दिया। सत्यवती ने आगे कहा, ओ तपस्वी, मैं अपने पिता के साथ रहने वाली कुंवारी कन्या हूँ। आपके आलिंगन से मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा तो मैं अपने पिता के पास वापस नहीं जा पाऊंगी। सत्यवती की बात सुनकर पाराशर मुनि ने कहा, ओ सुंदरी, मेरे आलिंगन से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। इसके अतिरिक्त तुम मुझसे जो भी वर चाहो मांग लो। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप मेरे शरीर से आने वाली इस मछली की गंध को दूर कर इसे सुगंधित कर दो। ऋषि के तथास्तु कहते ही सत्यवती का शरीर सुगंधित हो गया और उनका नाम गंधवती पड़ा। सत्यवती की सुगंध एक योजन तक जाती थी, इस कारण उनका एक नाम योजन गंधा भी हुआ। इस प्रकार ऋषि से वरदान प्राप्त करने के बाद सत्यवती ने स्वयं को ऋषि के आलिंगन में समर्पित कर दिया। अपनी इच्छा को संतुष्ट कर पाराशर ऋषि ने वहां से प्रस्थान किया। सत्यवती तुरंत ही गर्भवती हो गई और उसी दिन उन्होंने उस द्वीप पर एक श्याम वर्ण के तेजस्वी बालक को जन्म दिया। द्वीप में जन्म लेने और श्याम वर्ण के होने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। बालक ने हाथ जोड़कर अपनी माता से साधना में लीन होने की अनुमति मांगी और कहा, आप जब भी मेरा स्मरण करोगी मैं आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। माता की अनुमति पाकर कृष्ण द्वैपायन वहां से चले गए और सत्यवती अपने पिता के पास वापस चली गई। आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन ने अपने दैवी ज्ञान से वेदों का विभाजन किया और वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यवती का विवाह आगे चलकर हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के साथ हुआ, जिनसे उनको दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। विचित्रवीर्य की पत्नियों को व्यास भगवान से पांडु और धृतराष्ट्र हुए। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर महाभारत का संग्राम हुआ। व्यास भगवान ने पांडवों और कौरवों के इस इतिहास को महाभारत के रूप में लिखा, जिसे पांचवा वेद माना जाता है।